अपनी बहनों को सबको एक एक डेयर दूंगी। डांस कर दी पई है। ये क्या तेरी क्या मम्मा ए ना मिलाना मेरे साथ ही प्रैंक करोगी? नहीं सच में मैं स्टोरी लगाने लगी, तुम्हें टैग करने लगी, तुम्हारा अकाउंट नहीं शो हो रहा। देखना जरा रो रही है बैठ के। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है ये मैसेज को आगे पहुंचाओ। रेडी हो चुकी हूँ मैं यूनिवर्सिटी का टाइम और मैं क्लास के लिए एज यूजुअल लेट हो चुकी हूँ। फटाफट से जा रही हूँ और मामा मुझे जाने नहीं दे रही है कि नाश्ता करके। सही हो जाए कि इसकी क्लास ही माशाल्लाह 4 बजे होती है। 4 बजे नहीं है मामा जी, 3 बजे क्लास होती है। मेरी 3:30 टाइमिंग होती है अक्सर का। शुक्र है जल्दी लेट उठना पड़ता है। ऐसी टाइमिंग सही है, जाना बेचारी सुबह सुबह उठती है। मामा जी मेरी कुछ क्लासेस ना सुबह सुबह 9-9 बजे भी होती है, आपको वो नहीं दिखता है? नहीं तुम फिर भी लेट जाती हो, तुम जानबूझ के एक क्लास मिस करती हो और लेट जाती हो। जैनब लेट नहीं कर सकती, जैनब ने 8 बजे पहुंचना होता है। कोई बात नहीं, खैर मैं जो ना मैं लेट हो रही हूँ। खैर निकलते हैं क्लास के लिए भाग भाग कर। तो मैंने भी सॉक्स हाथ में पकड़ लिए हैं। क्या नाश्ता कर लिया है? हाँ जी आपके साथ नहीं किया। जब फ्री हो जाए मुझे कॉल कर। ओके गाइस तो अब निकलते हैं, लेट्स गो। और ये जैना मैडम जो अब स्कूल से आ रही है। जैना तुम अब स्कूल से आ रही हो और मैं अब यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। जाओ यार यूनिवर्सिटी में, मैं दोस्तों साथ जाने, अगर हो सका तो वहाँ से आ जाना मेरे दोस्तों पास। और हमने सुना है कि जैना का जो अकाउंट है वो वापस आ चुका है, तो मुबारक। चलो यार निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, बाय बाय। मेनी आवर्स लेटर। तो जी गाइस फाइनली पढ़ाई शुरू हो गई और मैं पहुंच गई अब घर। आज जो है ना हम लोगों ने करने हैं डेयर्स। डेयर्स मैं खुद नहीं करूंगी, मैं अपनी बहनों को सबको एक एक डेयर दूंगी। सो बहुत मजा आने वाला है, लेट्स गो। बंदा चलते हैं, दरवाजा खोलो। हेलो मम्मी मैं आ गई वापस। देखिए मैंने अपना आज मेरी बाजू, गाइस मेरी बाजू पे इतनी बुरी चोट लगी हुई है ना कि वो अभी तक ठीक नहीं है। मैं ट्यूब लगाती रहती हूँ। ये तुम बार बार ऐसे मूव करती हो ना तो वो जख्म फिर हील मामा लगी, मेरे सीधे हाथ पे लगी है ना, काम भी तो करना होता है। मूव करने से मेरा नहीं ख्याल चोट मूव नहीं, मैं बताती हूँ, धूप से गर्मी से होता है। ऊपर से इतनी सुंदर होने से पट्टी बांध लो, बकरी में सुंदर हूँ डायलॉग बाद में, तो मैं सुंदर हूँ बस ये डायलॉग। नहीं पट्टी नहीं ना बांध सकती, इसको खुला छोड़ना होता है जख्म को। खैर मामा सब छोड़े, आज पूरी सिस्ट्रोलॉजी फैमिली की खैर नहीं है, आपकी आपकी और आपकी किसी की खैर नहीं है। आप सबके साथ भी इज्जत क्यों दी जा रही है आपकी? बाबा कभी कभी इज्जत देती हूँ, ले लिया करो। बात तो सही है। तड़का आज आप चलो तुम्हारी तेरी करवाना है, मुझे समझ आ गई। हाँ जी आज तुम लोग को बहुत ही खतरनाक डेयर्स मिलने वाले हैं। मुझे इससे जो करवाना मुझे अभी बता दो ताकि मैं अपनी तैयारी। न ऐसे नहीं होगा, फिर नहीं मुझसे होना, ये कोई ट्रिप थोड़ी है जिसकी आप तैयारी करना स्टार्ट। हाँ मामा को मैंने ऐसा डेयर देना है बल्कि सबको हर किसी को, क्योंकि मेरे फैंस ने कहा कि आपने इतने मुश्किल डेयर किया, अब लोगों को मुश्किल डेयर दे। मुझे कोई भी इजी सा दे देना, इजी उजी कुछ नहीं होना। अपनी दफा मुझे याद है हीरा पे मुझे डेयर दे देना, सो जाओ। वाह फातिमा नहीं नहीं फातिमा गाइस मैंने ऐसा डेयर देना ना कि आज फातिमा रोने वाली हो जाएगी। मैं यही कहती हूं तो मैं रोऊंगी नहीं खैर डेयर पे तो बिल्कुल। जाहिर सी बात है खैर फातिमा तो मिर्ची नहीं खा सकती, लेकिन राबिया की पीली मिर्ची डर नहीं। फातिमा को तो कोई ना सेंसिटिव सा दूंगी आवाज, देखना बस। खैर मामा जी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना शाना दे दें, अब हम खाना खाते हैं। हेलो जी गाइस मैं घर आई तो जैनब मैडम इधर सो रही है। जैनब जैनब उठ जाओ, मैं आ गई वापस। जैनब से नींद में उसको लग रहा है, मैं ख्वाब में उसके बाद मैं वापस आ गई यूनिवर्सिटी से। ये पता है गाइस मुझे इतनी कॉल करके बुलाई थी कि राबिया मेरा अकाउंट वापस आ गया, और पता चला मुझे फिर कॉल आई कि जैनब का फिर से वापस चला गया और फिर अब वापस आ गया। जैनब का अकाउंट कभी आ रहा है कभी जा रहा है, अब आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलो अब जैनब को फाइनली सुकून की नींद आई है, पूरी रात नहीं लड़की सोई है, जो शाबाश सो जाओ। खैर गाइस खाना तो आज मुझे बहुत मजे का आया हुआ है, पकोड़े आए हुए हैं मेरे, पकोड़ा माँ आधा किसने खाया हुआ है, साथ चावल आए हैं, साथ ये तो कुछ है राजमा चावल टाइप, सब ब्रेड आई हुई और इसमें हमें बिस्किट आया हुआ है। तो अभी सारा खाना जल्दी से खत्म करते हैं और फिर इनके डेयर सोचते हैं। तो जी गाइस फाइनली हमने खाना शाना खा लिया और इधर हमें ज्वाइन किया है क्यूटी ब्यूटी प्यारी बंद करो हाथ जोड़ के मैं हीरा फैसल ने बच्ची नहीं होगी मुझे खड़ी हुई, इसका जो हेयर कट है ना वो जैनब जैसा लग रहा है, पूरा क्वाकअप क्वाकअप टाइप। मतलब जैनब का बुरा है फातिमा, तुम ये कहना चाह रही हो? इतने बाल मुझे नहीं अच्छे लगते। खैर हम लोग फिर हीरापी से स्टार्ट करते हैं, हीरापी को पहले डेयर दे, फातिमा को दे, दोनों करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फातिमा खेंचो। नहीं नहीं फातिमा का डेयर मैंने बड़ा अच्छा सोचा हुआ है, फातिमा तुम्हारा डेयर है। पहले अभी कहो कि मैं वो डेयर पूरा करूंगी, पहले बोलो मैं वो डेयर बोलो, मैं अपने फैंस से प्रॉमिस करती हूँ वो डेयर पूरा करूंगी। करोगी पूरा? ओके फातिमा का डेयर यह है कि अपना टैडी को ऊपर से लेकर आना, उसको सबको बुला के कहना आओ टैडी को मारे, और ये बोलना है कि मेरा टैडी ठरकी है और मेरा टैडी मिर्ची के पीछे और ये बहुत गंदा है, ये तुम्हारा डेयर है। ऐसा तो ये सब झूठ है गाइस, लेकिन ये झूठ नहीं है, तुम्हें करना पड़ेगा, तुमने एक्सेप्ट किया तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसे झूठ है, मेरा टैडी मिर्ची के पीछे नहीं पड़ा हुआ, ये मच्छनबाज मिर्ची उसके पीछे पड़ा है, उसके कमरों में लेटती रही है।
ऐसा कुछ नहीं है फातिमा। लेकिन फातिमा के डेयर तभी होगा जब ज़ैनब उठेगी, तो इसीलिए मैं सबसे पहले तुम तीनों को, प्यारी मामा को, फातिमा को और डायन हिरा को, एक डेयर देने लगी हूँ। अगर तुम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया तो मेरी तरफ से तुम लोगों को तोहफा मिलेगा। तीनों मिलके ज़ैनब को उठाओ, तुम लोगों का डेयर है, तुम लोगों का डेयर स्टार्ट होता है अभी इसी वक्त। आपका तोहफा आपके कॉल रख, हट, नहीं सही कह रही हूँ, ये डेयर एक्सेप्ट करो। मेरा डेयर सिर्फ मामा पूरा कर सकती हूँ। मामा आपका डेयर कुछ और ही है। खैर नहीं, ये तीनों को डेयर मिला, उठाओ उसको। अपनी मस्ती करके स्कूल से भी आई है, मस्ती करके भी है, मुझे थकी सोई पर वो ना बड़ा मूड खराब करे। ज़ैनब तुम्हारा डेयर है, जल्दी फैंस ने ऑर्डर लगाया कि नींद से उठना है, ये तुम्हारा डेयर है। गाइस आप लोगों ने डेयर दिया और ज़ैनब मैडम हिली भी नहीं अपनी जगह से, कोई नहीं इसको सोने देते हैं। हिरापी आपको भी मैं एक डेयर देने लगी हूँ, आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? क्या आपका डेयर है? अभी जहाँ पे भी वहाँ पे रुक जाओ। हम बदलने गाइस मैंने ची चही थी ही को यहीं पर रोक दिया, बेचारी खाना क्या खा रही थी, मैंने देखा था हाय हाय कितना मजे का खाना था। चलो हीरा स्टार्ट, रुक जाओ खा लो। ये तो बड़ा अच्छा डेयर था, गिफ्ट दो मुझे, डेयर पूरा किया है, गिफ्ट दो। ये लो तो बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। गाइस फातिमा का टेडी ले आई है, मिर्ची के ऊपर लाइनें मारते हैं, ऐसे नहीं करना। अपनी मिर्ची साथ लो, तेरी मिर्ची को प्यार करे इसको मारे। नहीं मैं बताती हूँ ना, पहले फातिमा तुम्हारा डेयर है, सबको बुला के कहो आओ टैडी को मारना है जल्दी। किसको हिराई बैठी है? हाँ, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। अगर इसने जरा भी अपने टैडी को प्यार किया डेयर में, डेयर में फेल है। अगर तुमने जरा से प्यार किया फेल, डेयर में फेल होना कबूल है। नहीं हिरापी को बुलाओ, जल्दी करो हीरा यार, आना टैडी को मारना। हाँ देखा, जल्दी आओ उसके टैडी को मार। चलो बच्चों टैडी को मारे। बदतमीज नहीं है, जूते का नहीं है। मारो हिरापी, जूता मारो इसके डैडी को। जूता यहाँ साइड है, ये वाली साइड, पीछे वाली साइड। क्यों पीछे वाली? क्यों? और फातिमा जो कहा है वो बोलो, जंप लगे मैं उसके ऊपर ना सोती हूँ। फातिमा जो कहा है वो बोलो कि मेरा टेडी ठरकी है। चल निकल, मेरा नहीं डेयर करना। बोलो बोलो, मैं डेयर कर दी, निकल जा। बोलो मेरा टेडी ठरकी है। फातिमा का टेडी ठरकी है, मिर्ची ठरकी। फातिमा तुमने डेयर कहा था कि मैं करूं, मैं हारती हूं, ऐसा डेयर मुझे नहीं कबूल। आथू, ये कितनी बदतमीजी है वैसे। हिरापी आप बोलो, हमारा डैडी भी ठरकी, तुम भी ठर। बोलो फातिमा का डैडी ठरकी, फातिमा का डैडी ठरकी। ए फातिमा वापस है क्या डैडी? फातिमा का डैडी ठरकी, फातिमा का डैडी गंदा। ठीक है प्राउड टू बी ठरकी, निकल जा जा जा, चलो मेरी तो ना आज दिली ख्वाहिश पूरी की है मैंने। चलो ले जाओ इसको, चल ठीक है। मैंने भी तेरी मिर्ची की सुई मार के हवा निकाल देनी है। गाइस जो भी हो, फातिमा ने अपना डेयर कम्प्लीट नहीं किया, इसे फातिमा ने किया। तेरा डेयर आ तू, चलो ठीक है। तुम्हारा डेयर है कि मिर्ची को जाके थोड़ा सा प्यार कर दो और कहो मिर्ची यू आर अ वेरी प्रिटी गर्ल। जाओ शाबाश, जाओ 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 जाओ। गाइस फाइनली आज इत्तेहाद में सच होने वाला है। बाहर इत्तेहाद, इत्तेहाद में नहीं, आज हिस्ट्री में सच होगा। आज फातिमा मेरी मिर्ची को प्यार करेगी। बहुत प्यारी मिर्ची। उसकी शक्ल देखो कितनी खूबसूरत है। फातिमा जाओ यहाँ से, इसको मैं इसको बताती हूँ मैं। ये टैडी नहीं बचेगा, आज नहीं बचेगा टैडी। टैडी को मारने से पहले तो मैं मुझका सामना करना पड़ेगा। मेरे हाथ में कैमरा ना होता, मैं देखे इसकी टैडी कितनी बुरी हालत करूंगी ना। इस छुछुंदर जिया मोटा ताजा, प्रोटेक्ट ना कर सकी। मैं कर लूंगी, मेरी मिर्ची थी मामा हमारे, मामा मेरा बदला ले जाए। मामा भाग गई है वो शोखी। फातिमा की डैडी ठहरकी, फातिमा का डैडी डरपोक, खुश खुश डरपोक, फातिमा का डैडी डरपोक। गाइस हिरापी हमसे कुछ कहना चाहती है। मुझे जो डेयर होगी मैं वो कंप्लीट कर दूंगी। ऐसे नहीं कहा था, कट, ओके मैं तुम्हें कट इट, ऐसे नहीं, रिपीट इट, दोबारा रिपीट होगा। मुझे जो डेयर होगी मैं कंप्लीट कर दूंगी। ओके हिरापी, कट इट कट इट। मम्मा जल्दी सोचे हिरापी को क्या डेयर दें। टैडी को गंदा कहने का डेयर मुझे दे देती। मामा का डेयर बहुत अच्छा है गाइस, डेयर दो कि 15-20 मिनट इसी चेयर पे बैठे रहना है। बस करो मैं आपको बताती हूँ, सोचती हूँ आपका डेयर। गाइस हिरापी का डेयर है कि आपने गाना गाना था, तीये से कूलो हटा लिया था सुर में, और मैं साथ खड़े होकर डांस कर रही हूँ, आपने गाना गाना है, ठीक है? बहुत ही आपको देखो पहले इतने खराब है, कोई बात नहीं, आज देखते हैं कि हमारे घर की चाहत फतेह अली खान कैसी गाती है। निकलो इधर से। कूलो हटा ले, ओथे डांस कर दी पई है, ओथे डांस कर दी पई है। तुमसे ना हो पाएगा, आगे नहीं आता, बस इतना ही है। गाइस फाइनली मामा मेरे हाथ लग चुके हैं, मामा इधर जो है वो कॉफी शॉफी पी रही हैं। मामा जी मैंने आपका डेयर सोच लिया हुआ है, आपका डेयर है, पापा बाहर ही बैठे, उनको पता नहीं लगना चाहिए। आपका डेयर है कि आपने पापा की कबर से सारे कपड़े निकाल के जो है ना वो उनके बाहर फेंक के उनको ऐसे कहना है कि अभी मेरी अलमारी में नहीं रह सकते, कहीं और रखो इनको, ठीक है?
कोई बात नहीं मम्मा जी, बड़ा मजा आएगा पापा को, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए डेयर है, यही आपका डेयर है। दे तो मैं दो मिनट में दूंगी, लेकिन वो सारा मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा। मैं कोई बात नहीं, मेरी बात सुने, मैं सारा समेट दूंगी, बस मैं समेट दूंगी, आप स्टार्ट करें बस। गाइस ये पूरे सारे कपड़े जो है ना मामा ने उतारने में, पापा क्यों मैं ऐसा करें, आधे उतारने सारे ना उतारे, नहीं नीचे वाले सारे कपड़े, नहीं नीचे में बड़ी चलाक है, थोड़े एंगल वाले भी उठाए ना, आधे हैंगर वाले तो उन्होंने कहना मैंने सेट करके रखे हुए हैं नीचे वाले। नहीं नहीं ये, देखो। यार ये नहीं है ना बात, मामा आपने ये कहना कि मेरी अलमारी में वो आपके कपड़े नहीं रह सकते, ये कहें बस उतारे और ये जाके ऐसे करके ना सबके चिल्ला के फेंके, देखो चुप कर अपने डायलॉग, बस ये गाइस मामा की एक्टिंग देखते हैं, मुझे गुस्सा वैसे ही आ चुका है तेरे डेयर से, और ये सारा गुस्सा तुम पे निकलना है, हो मैं कह रही हूं मैं समेट दूंगी, चले चले जल्दी, पापा को पता नहीं लगना चाहिए, आ जाओ आ जाओ। मामा ये आप क्या कर रही है, पापा जी देखिए जरा मामा क्या कर रही है, आपके सारे कपड़े, हो ये क्या तरीका है मामा, सारी अलमारी अपने कपड़ों से भरी हुई, जरा जगह नहीं है अंदर, मैंने अपने नहीं रखने होते, हो पापा जी देख लिया मामा, कोई जगह नहीं, मैं अलमारियां कहती थी ना ज्यादा बनवानी है तो नहीं बनवाई, छोटी छोटी अलमारियां बनवा दी, सारे कपड़े अपने रखे हुए, मेरा एक भी कपड़े नहीं है, मैंने अपने सारे साइड पे तय करके रखे हुए और सारे अपने हैंग किए हुए, मुझे भी आधी अलमारी चाहिए, मैंने अपने कपड़े लटकाने हैं, जिथे मर्जी रखो जितनी मर्जी अलमारी। ये क्या पापा जी मामा पता नहीं, जगह नहीं है जगह नहीं है पापा जी, मामा सुबह से सब पे गुस्सा कर रही है, मामा कह रही है बुनो नहीं अलमारी, वापिस रख देते पापा जी, ये डेयर था एक्चुअली, मामा को मैंने डेयर दिया था तो आपके साथ प्रैंक हो गया, बाय बाय, अब वो ये सारे कपड़े रापिया रखेगी, हो ये बात हुई है, तुमने रखोगे, हाँ यार मेरा डेयर है ये, चलो यार कोई बात नहीं, सारे कपड़े मैं वापस रख देती हूँ, तो जी गाइस हमने देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, तो जी गाइस हमने सारे के सारे कपड़े जो है वो हैंग कर दिए हैं, इसमें ये अपा की अलमारी थी, मेरी अलमारी तो ये देखो अच्छी खासी, मामा की तो गाइस बड़ी अच्छी है, अब जो है ना कभी हम माँ पापा की दोनों की अलमारी का टूर करवाएंगे आप लोगों को, गाइस अब मैंने जो है ना पापा को बुला लिया है, हम देने लगे पापा को डेयर, पापा जी जो भी आपको डेयर दूंगी वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, डेयर आपका ये है, आपने एकदम से कहना है कि बिल बहुत आ रहा है, पता है इस बार बिल कितना है, सारे घर का अंधेरा कर देना, पंखे बंद, और सबने ना रिएक्शन लेना है सबका, सबका क्या रिएक्शन होता है, लेकिन आपने सारे घर की लाइटें बंद कर देनी है, ठीक है, और पंखे भी, लोगों ने कहना पापा को क्या हो गया एकदम से, ठीक है चले लेट्स गो, क्या हुआ पापा जी, मतलब कि सारी लाइटें जली थी, जो हद हो गई, इतना बिल आता रहता है वही ना, गाइस सारे सुन लो पापा की बात, सब चीजें बंद करो, हाँ बंद करें सब बंद करो यार, हद होती है वैसे, हद होती है, कमाल है, कमाल ही कर गए क्या, हाँ यार पापा को एकदम से क्या हो गया, सब बंद करो यार, पापा पता नहीं मुझे, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि पापा को एकदम से क्या दो रहा है, एना मिला ना सब बंद करो, क्या मैंने क्या किया, नहीं पापा जी मिल जाता, उस पे मीटर पे तो लगी हुई है, हीरा पे क्या कर रही है पापा की बात, पापा की बात नहीं सुन रही हो, क्या कह रहे हैं, लाइट सी बंद की जा रही है, हीरा को नेरे पे ना लगता है कुछ होता है, बाय पापा क्या कह रही है, 10 करोड़ बिल आया हमारा, मुझे लग रहा है पाकिस्तान की बिजली वाले घर से, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, एक सेकंड डेयर तो नहीं दिया इसने आपको, डेयर डेयर सारी लाइट्स जलाऊंगी, पंजाबी में कहते हैं मुड़का, ये कौन से दौर की पंजाबी के मुड़का का, मुझे बहुत मुड़का आ रहा है, ओह माय गॉड, अब देखना जरा पापा ने मारो मार कैमरे उतारे थे, अब वापस दोबारा पीछे लगा रहे हैं, ये सही है पापा ने गुस्से में सारे ठक ठक उतारे थे, अब शुक्र हमारा कैमरा जो है वापस आ गया है, गाइस अब बारी है जैनब की, जैनब मैडम जो है लेकिन सो रही है, उसका कोई डेयर बताओ गाइस, मुझे आइडिया दो, अकाउंट नहीं शो हो रहा,
मेरा अब बस कर जा, मेरे साथ भी प्रैंक करोगी? नहीं सच में मैं स्टोरी लगाने लगी तुम्हें टैग करने लगी, तुम्हारा अकाउंट नहीं शो हो रहा। देखो क्या मतलब, देखो मैंने अभी अपना, मैंने कब देखा था अपना अकाउंट लास्ट, जब यूनिवर्सिटी में थी तब देखा था। देखो जरा नहीं शो रहा, पता नहीं क्या रहा, क्या मतलब नहीं खुल रहा। देखो गाइस हीरा मैडम जो है वो अब एक और प्रैंक लेके आ गई है हमारे लिए। बस कर बाजी बस कर, दिखाओ फैन पेज खुल गया तुम्हारा, नहीं खुल रहा। ये किसका है? मेरा ही है, ये मेरा अकाउंट है वाला, देखो नहीं खुल रहा यार, मेरा तो नहीं है। क्या अब तुम भी इसके प्रैंक में शामिल होगी फातिमा? दो मिनट रख के बेटा खोल के देख लो, इतना बजे बात कर रहा है। एक रुको ना, खत्म करो और चेक करो, सीरियस कह रही है। मुझे पता ही क्या लग रहा है, नहीं आ रहा, सीरियस बात है। गाइस मैं फोन बंद करूंगी, इन्होंने कहना प्रैंक है प्रैंक है, सीरियस नहीं आ रहा। अच्छा है, रुके मैं देखती हूं। बंद हुआ था, अब तेरा हो गया है। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, पहले एक लड़की जो मुझे बोल रही थी कि नहीं तुम प्रैंक करियो प्रैंक करियो, अब देखना जरा रो रही है बैठ के। अकाउंट ही है ना, क्या हो गया, आ जाएगा वापस। बच्चे रोने की कोई बात नहीं है, इस तरह की चीजें होती रहती है। अभी जैनब का भी तो हुआ है ना, रो रही हो फजूल में। जैनब भी दो पूरा दिन रोती रही है। हाँ तूने नीचे पील की ऑप्शन आ रही है, करो पील अभी, कोई जरूरत नहीं किसी से पूछ लो। इतना मैं साया भी, इतना साया उतना ही रो रही है। मुझे लग रहा है तुम्हें इंस्टाग्राम की तरफ से डेयर चैलेंज मिला आज, तुमने मेरे साथ जो डेयर चैलेंज किया ना, ऐसे स्टॉप हो जाओ, मैं तुम्हें कहती हूँ रोते रोते स्टॉप हो जाओ। एक बार पहले भी हुआ था, लेकिन अब रोने की जरूरत नहीं है, समझ आई, कुछ नहीं होता। देखो रोई जा रही है फजूल में ही, वो देखना चाह रहे रबर रोबोट तो नहीं है। अच्छा तुम रोना तो बंद करो फजूल में, इतनी गंदी नेल पॉलिश लगाई हुई है। गाइस अभी दो मिनट पहले मैं मजाक समझ रही थी, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि कितना बुरा लगता है। मैं कल जैनब को चुप करवाई थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि मैंने अपील की है और वो लोग कह रहे हैं कि अभी वो घंटे तक ही आपको पता लग जाएगा। अब मैं दुआ कर रही हूँ कि आ जाए, होप सो प्लीज। ये मैंने अपील कर दी है और ये वो कह रहे हैं कि वी आर रिव्यूइंग योर आईडी ब्ला ब्ला ब्ला। बस सारे मिलके दुआ करो मेरा अकाउंट, मेरी सालों की मेहनत थी मामा। इंशाल्लाह सुबह तक आ जाएगा, कह दिया ना, अब रोना नहीं है, रो सुबह तक आ जाएगा, सुबह तक ही ना। मुझे खुद नहीं पता, मैं इंस्टाग्राम देखने लगी हूं। जैनब का गाइस पहले गया फिर आ गया फिर गया फिर आ गया, लेकिन आ गया शुक्र, उसने भी अपील की थी। अब दुआ करते हैं कि मेरा भी आ जाए। A few moments later, जैनब उठो, जैनब मेरा भी अकाउंट डिसेबल हो गया है। मैं इतना खुश थी आज, और मेरे साथ इतना बुरा फील, मैं जैनब का दर्द फील कर सकती हूँ। मानो जैनब गाइस आराम से सो रही है। गाइस मामा इधर इतनी सैड होके बैठी, मामा कोई बात नहीं आ जाएगा, मुझे थोड़ा वो है हौसला, क्योंकि सब जो अपील करता है उसका वापस आ जाता है। एंड होप सो मेरा भी आ जाएगा, थम्स अप। मैं दुआ कर रही हूँ बस, जैसे मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहती हूँ। रो रो की आंखें लाल कर रही, बस कर दो। आप लोगों को पता है आपने इतनी मेहनत क्यों, आपको दुख होता है, बेचारी सी बात है। इंस्टा जाने से हो सकता है इतना दुखी नहीं, तुम्हारे रोने से ज्यादा दुख हो रहा है, कितना रोते हैं। और पता नहीं आप लोगों को मैं कहूंगी, अपने इंस्टाग्राम का ख्याल रखें कि मतलब देखते रहें कि कोई आप ऐसी चीज ना पोस्ट करें, कोई किल का वर्ड ना यूज करें, जैसे आपका कोई स्टोरी कुछ यूज़ किया था कोई। मैंने नहीं किया था, पता मैंने एक बार पहले मेरा क्यों हुआ था, मैंने ये लिखा था कि जैनब आई विल किल यू, अपनी स्टोरी पे लगाया था, जैनब को टैग किया था उस पे, कि वो मजाक में लिखा था, उनको लगता है कि सीरियस कोई थ्रेट है, इसकी वजह से उन्होंने मेरा कर दिया था। आंखें लाल हो गई है, रो रो के पास भी लिखो तो कर देते हैं क्या, चैट पे भी। लेकिन मैंने किसी को इस दफा किल नहीं लिखा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता आ जाएगा वापस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे दिल में उम्मीद रखी हुई है और अब मैं खुश हूँ, कोई दुखी पन नहीं आएगा। राबिया अब तेरे लिए डेर है कि हंस के दिखाओ जल्दी, ठीक है? देखे मैं हंस रही हूँ, देखा अब इंशाल्लाह आ जाएगा, हम वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर ना आया तो मैं सुबह आप लोगों को इंशाल्लाह अपडेट करूंगी कि सुबह आ जाए तो। लेट्स सी गाइस, मुझे समझ नहीं आ रही है मेरा अभी, मुझे एक आगे से वो आया है कि वी हैव डिसेबल्ड योर अकाउंट, ठीक है? और पता नहीं, मैं समझ नहीं आ रही, मैं जाके उनको बताती हूँ। लेकिन मैंने एक किसी की वीडियो देखी थी और यही था कि वो परमानेंट हो जाता, प्लीज अल्लाह में प्लीज सब ठीक हो जाए जल्दी से। हिरापी देखो अब ये आया है, क्या इसका क्या मतलब है? वी हैव डिसेबल्ड योर अकाउंट, योर अकाउंट नेवर, ये परमानेंट आई थिंक होता है, क्या मतलब परमानेंट डिसेबल वाली चीज है ये, तो ये उसके बाद आया ना। हाँ अभी मुझे शो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको, लेकिन अब आगे मुझे कोई ना अपील की ऑप्शन आ रही है। योर इन्फॉर्मेशन विल बी परमानेंटली डिलीटेड, क्या मतलब? नो वन कैन सी और फाइंड योर अकाउंट एंड कांट यूज इट, ऑल योर इन्फॉर्मेशन विल बी परमानेंटली डिलीटेड, यू कैन नॉट रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू फॉर दिस डिसीजन। तो मैं अब क्या करूँ? तुमने की थी राबिया, तो हिरापी सब यही करते हैं? नहीं अपील तो नहीं करते, परमानेंट डिलीट हो गया, अपील नहीं करते। दिखाओ तो दिखाओ यार, मुझे किसी से बात करने दो एक मिनट। सो गाइस मैं ये सब आप सब को ही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो ये मैसेज है सबको पहुँचाएँ, ताकि मेरा जो अकाउंट है वो किसी भी तरह वापस आ जाए और इंस्टाग्राम तक मेरा ये मैसेज चला जाए और
कुछ हो जाए, क्योंकि इतना इतना बुरा फील होता है आपके इतने सालों की मेहनत, आपने इतना आहिस्ता आहिस्ता करके आपने ग्रो किया होता है, सो इट फील सो सो बैड. तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है ये मैसेज को आगे पहुँचाओ, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत बहुत वो फील, आई एम फीलिंग ब्लैंक कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप किसको जाकर बोलो कि आप आगे क्या कर सकते हो. मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मेरा अकाउंट मुझे वापस मिल जाए, और पता नहीं, खैर ये किसी के साथ भी हो सकता है. सो एंड ऑल्सो मुझे सब ने इतना हिम्मत दी है, मेरे घर वालों ने, कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब ठीक हो जाएगा. खैर मैं आप सबसे ये कहती हूँ कि प्लीज़ आप सब जो है मेरा ये मैसेज इंस्टाग्राम तक पहुँचाओ और मेरी हेल्प करो.